पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आजम खान साहब बहुत जल्दी जेल से बाहर होंगे, कांग्रेस उनकी लड़ाई लड़ रही है और मैंने पहले भी कहा है हम हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे जिसको बीजेपी परेशान करेगी, कोई दलित हो, कोई पिछड़े हो, कोई बीसी हो, कोई पंडित हो, आजम खां हो, खां हो, कोई भी ब्रादर हो, इस देश की हो, बस उसकी कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। और बहुत जल्दी आप देखिए माननीय आजम खां साहब बाहर आएंगे और मैं फिर कहना चाहता हूं उनसे ऐसी पार्टी में कतई ना रहें जिसका जिसके अंदर उनको छुड़वाने की कुवत ना हो। दिल्ली बैठना है, अगर दिल्ली से राजनीति का शुरुआत करना है तो कांग्रेस पार्टी का आजम खां को साफ दामन थामना चाहिए और मैं उनकी बेगम को आमंत्रित करता हूँ, आइए हमारे साथ छुड़वाते हैं, मिलके लड़ाई लड़ते हैं खुल के सड़कों पे। हमारे कार्यकर्ता को एक दिन के लिए बंद करके देखते हैं, हमारे माननीय अजय कुमार लल्लू जी सड़क पे कोहराम मचा देते हैं, इनके अध्यक्ष जी सिर्फ ट्विटर पे बैठ के सिर्फ ट्विटर खेलते हैं। ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया माननीय आजम खां साहब ने जो डेढ़ साल से NSA भी 11 महीने में टूट जाता है, 302 की बेल एक से डेढ़ साल में हो जाती है, 307 की बेल भी 6 से 8 महीने एक साल में हो जाती है, 420 की बेल भी 6 महीने के अंदर हो जाती है और वो भी ट्रायल के अंदर इतने साल। ऐसा कौन सा अपराध कर दिया समझ में नहीं आ रहा। अपराध सिर्फ ये है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि वो बाहर आए और बीजेपी और समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर साथ मिली हुई हैं, ये सबको दिख रहा है। बताइए कितने विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इतने बड़े नेता, सांसद, घर में MP MLA, उनको भी आपने बंद कर दिया। तो यही मेरा कहना है, बहुत जल्दी आजम खां बाहर होंगे। तो आजम खां के लिए क्या कांग्रेस पार्टी क्यों ऐसा सब करना था? आजम खां साहब की बात नहीं है, जिसको भी परेशान किया जाएगा कांग्रेस उसके साथ खड़ी रहेगी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी उनके साथ खड़ी रहेंगी, आदरणीय राहुल गांधी जी उनके साथ खड़े रहेंगे। पर्टिकुलर ये बात आजम खां साहब की नहीं है, उनके साथ गलत हो रहा है और हम उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ रहे हैं और हम उन सब की लड़ाई लड़ेंगे साथियों जिनको हमारी ज़रूरत होगी, जिनको सताया जाएगा। मुझे क्या अभी मुझे नहीं पता कि वो समाजवादी पार्टी में अभी भी हैं कि नहीं हैं। अगर होते तो समाजवादी पार्टी उनको छुड़वाने का काम करती, प्रोटेस्ट करती, आंदोलन करती, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई कपिल सिब्बल साहब लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ रही। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।